कर दिया, क्लाइंट से पैसे लेके फिर आप शुरू हो गए बहस करने। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पैसे लेके शुरू हो गए? पहले क्यों नहीं हाजिर हुए आप? आप मेरे से सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। ब्लेम क्यों लगा रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। क्यों नहीं हाजिर हुए? ये लोग सब सुन रहे हैं सर, बाद में आप बोलेंगे आप ठीक थे। सर आपने पैसे लेने के बाद हाजिर क्यों नहीं हुए मुकदमे में? ये सर एक बात सुनिए, मुझे बताइए आपने इंस्ट्रक्शन नो इंस्ट्रक्शन प्लीट क्यों किया? हाँ मैं बताऊंगा ना सर, पूरा लिखा हुआ है मैंने। आप ये दोबारा हाजिर हो सकते हो? बिल्कुल हो सकता है, आई विल डिसमिस। बिल्कुल हो सकता हूँ। Notice, application for registration of first appeal, ma'am. कब खारिज हुआ? So this is 29th 4, ma'am. 29th January. There is delay of 103 days, my lord. Actually, in this case, my lord, I had no instruction at that time. I have pleaded no instruction in this case. Well, still pleading no instructions. Yes, my lord. You were the counsel in that case. Yes, my lord. So after pleading no instruction, now you can appear. Yes, my lord. Why? If your lordship will see, sir, impugned order may kindly be seen for till while. Impugned order थोड़ी है, ये तो आपने जो है वो किया है, misconduct है आपका, कि जब आपके पास एक बार फाइल आ गई आपने बहस क्यों नहीं की? आपने प्लीड नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया, क्लाइंट से पैसे लेके फिर आप शुरू हो गए बहस करने। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पैसे लेके शुरू हो गए? पहले क्यों नहीं हाजिर हुए आप? आप मेरे से सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। ब्लेम क्यों लगा रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। क्यों नहीं हाजिर हुए? ये लोग सब सुन रहे हैं सर, बाद में आप बोलेंगे आप ठीक थे। सर आपने पैसे लेने के बाद हाजिर क्यों नहीं हुए मुकदमे में? ये सर एक बात सुनिए, मुझे बताइए आपने इंस्ट्रक्शन नो इंस्ट्रक्शन प्लीड क्यों किया? हाँ मैं बताऊंगा ना सर, पूरा लिखा हुआ है मैंने। आप ये दोबारा हाजिर हो सकते हो? बिल्कुल हो सकता है, आई विल डिसमिस। बिल्कुल हो सकता हूँ और बहस करो। जी सर, Once you were engaged by the client, how can you say that you have no instructions? I can say because client was not in my contact. Is it necessary? Yes. Whether there was condition in the wakalatnama there? Yes, my lord. You cannot appear after 1 year? No, sir. उसके बाद मैंने registered notice डाला था इनको। तो उसके बाद आप? उसके बाद भी पार्टी नहीं आई तो it was my duty to appear and say. First appeal में क्लाइंट की जरूरत क्या है? एक बार उसने एंगेज कर दिया, आप हमेशा हाजिर होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल होना पड़ेगा, इसलिए तो हाजिर हुआ था मैं। यू आर नॉट द सीनियर एडवोकेट कि आप एक तारीख के पैसे लोगे। नहीं 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 सर, देखो मैंने तो देखिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। यू विल लूज सर, आई एम लूजिंग माय फेस। यू विल लूज योर केस आल्सो इफ यू प्लीड नो इंस्ट्रक्शन एंड देयर आफ्टर यू इफ यू देयर आफ्टर देयर इज सर ये क्लाइंट यू शुड नॉट बिटवीन क्लाइंट एंड एडवोकेट। बता दीजिए, वकालतनामा है सर, बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? यू कैन नॉट अपीयर ऑन द नेक्स्ट डेट, यू विल नॉट अपीयर ऑन द नेक्स्ट डेट। हम सर रजिस्टर्ड पोस्ट डाल के क्लाइंट से पूछते हैं। आपने क्यों? इसलिए पूछते हैं कि जिंदा है कि नहीं। आपको जरूरत ही नहीं है पूछने की, मर जाएगा। क्यों नहीं पूछेंगे सर? बहस करिए आप जी, कर दीजिए बहस। I will not permit the same counsel to plead no instruction thereafter to file the restoration application. Yes, my lord. There is reason. I will not permit. There is reason. There is wakalatnama. There is previous wakalatnama and affidavit. Once you accepted the wakalatnama, then you should appear always, even after 20 years, 30 years, 40 years, until unless cases. Sir, court mein I have been granted liberty to revive appeal. I've been granted liberty to revive appeal. आप impugned order देख लें सर। You will suffer. The order dated 29 January 2014. That is annexure A1. A person actually who is advocate, he should not plead no instructions in the especially in the first sir, appeal second. सर हमारे rules में दिया हुआ है। You can plead no instructions. बिल्कुल, अगर हम client से संपर्क करते हैं। You show me the law. बिल्कुल ठीक है सर, इसको कल रख लीजिए, पूरा advocate act rules लेके आता हूँ। एक भी law बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए जिसमें you can plead no instruction after accepting वकालतनामा। जी बता दीजिए। जरूर लगेगा आपको, लगना भी चाहिए आगे के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक बार फीस ले ली, भले ही 500 रुपए लिए या 200 रुपए लिए, यू शुड बात फीस की नहीं है सर। सर प्लीज इन सब को मत बोलिए, हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं सर। मुझे बता दीजिए कोई लॉ की जिसमें आप नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर सकते हो। बिल्कुल मैं बताऊंगा सर। और यदि नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया देन डोंट कम अगेन इन द सेम केस सर। अगर देयर इज रीजन फॉर दैट, इफ देयर इज रीजन फॉर दैट, दिस प्रैक्टिस इज रॉन्ग। Once you pleaded no instruction, don't come in the same case. Sir, no instruction का मतलब पैसे नहीं होता है सर।
मुझे नहीं पता क्या इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। आई हैव नो वेयर अबाउट्स ऑफ माय क्लाइंट वेदर हिज एलआर शुड बी देयर ही इज अलाइव। अरे देखिए बहस मत करिए जी सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लूज होंगे सर, कोई बात नहीं, आई एम नॉट लूजिंग माय प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पर बहस नहीं कर पाएंगे आप, ओरली कुछ भी बोल रहे हैं। देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ द लॉ, देयर इज नो प्रोविजन इन द इन एनी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। सर हाँ रूल्स में मैंने देखा हुआ है सर, आप रजिस्टर नोटिस क्लाइंट को भेज देते हैं। कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शन बता दीजिए सर, कोर्ट से मैंने इसीलिए बोला था, कोर्ट ने उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डिसमिसल कराया ऑर्डर उसमें लिखा हुआ है यू कैन रिवाइव द अपील। मेरे क्लाइंट का एक्सीडेंट हो गया था, ही वाज हैंडीकैप्ड, नाउ उसने हैंडीकैप सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को, सर मैं इसलिए नहीं आया था। दिस इज माय ओपिनियन दैट यू शुड नॉट प्लीड नो इंस्ट्रक्शंस, इफ यू हैव प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शन यू शुड नॉट अपीयर अगेन इन द सेम केस। This is my personal opinion and you rebut this opinion, I am ready। ठीक है सर, अगर कोई 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 किसी तरह की लीगल वो है तो मैं क्लाइंट को बुलवा लेता हूँ, वो दूसरा वकील लगा के करेंगे, उसमें समस्या नहीं है सर। लेकिन ये सर ऐसा मतलब ये एक मैसेज जाता है सर हाई कोर्ट के अंदर, पैसा नहीं मिला इसलिए वकील खड़ा नहीं हुआ, ये रोज हो रहा है ना। नहीं ये मैं कहना पड़ रहा है अपने लिए तो बोली सर, रोज देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए भी बोल सकता हूँ। दोस्तों के लिए बोलिए तो मेरे बहस करिए, बताइए यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शन एंड अगेन यू कैन अपीयर इन द सेम केस, बता दीजिए मेरे को। ये तो फ्रेश केस हो गया ना एमसीसी सर। नो एमसीसी से फ्रेश केस, फिर मैं बोलूंगा दिस इज मिसकंडक्ट, फिर मैं बोलूंगा दिस इज मिसकंडक्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मिसकंडक्ट विल बी ट्राइड बाय बार काउंसिल। हाँ तो मैं बोलूंगा ना, आई विल से दिस इन माय ऑर्डर। बिल्कुल आप सब सुनिए, आप लिखिए उसमें, यू टेल मी कि यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शंस एंड अगेन यू कैन अपीयर इन द सेम केस, बता दीजिए ऐसा लिखा हुआ कहीं। ठीक है मैं ढूंढता हूँ सर इस चीज को, आपका तो मुझे, मुझे उसमें उसमें कोई ऐसा वो नहीं दिखता, ब्लैक पेन नहीं गलत है ये तो। एक बार आपने नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया है उसके बाद आप बिल्कुल घर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में, आपको प्रॉब्लम जाएगी। ऐसे तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति मान के चलो किसी व्यक्ति को भेज नहीं करना, वो कर देगा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड, फिर कोर्ट उसको एसपीसी जारी करेगी, फिर वो खड़ा हो जाएगा उसमें। इसका मतलब कोर्ट फालतू काम कर रही है बैठकर। नहीं नहीं सर, मैं उसी के तो लिए बता रहा हूँ आप भाई, इफ यू आर हियर, इफ यू आर भाई आइदर, देखिए आइदर डोंट अपीयर जी, कोर्ट जो भी करेगी खारिज करेगी मुकदमा, यू कैन फाइल रेस्टोरेशन, बट यू हैव प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शन, इट मींस यू वर अवेयर अबाउट लिस्टिंग ऑफ द केस, डेफिनेटली यू प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शन एंड यू देन यू हैव कम हियर अगेन। नो प्लीड, हम नो इंस्ट्रक्शन, ऐसा मुझे बता दीजिए, ग्राउंड है सर, आप बस बता दीजिए मेरे को, हमारे पास ग्राउंड है, हम क्यों बना रहे हैं, लॉ बता दीजिए मेरे को, देन हो सकता है सबके फायदे का हो, हो सकता है सबको लॉ ढूंढने की कोशिश करता हूं सर, ढूंढ लीजिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये गलत है, मेरा ऐसा मानना सर, है सर, आपका जो है जो ऑर्डर होगा, यू हैव प्रेरोगेटिव टू पास एन ऑर्डर एंड से व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, वो नो इंस्ट्रक्शन प्लीड नहीं करना चाहिए, और कर दिया है तो फिर उस केस को छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना जी। है, और यदि ऐसा मेरा मानना गलत है तो आप मुझे बता। किसी केस में क्लाइंट की डेथ हो जाती है और मृत व्यक्ति के साथ खड़े होकर मैं बहस करता हूं, मेरी डिग्री करवा लेता हूं, व्हाट विल हैपन देयर, भाई साहब से सर पता लगेगा तब तो मत बताइए, उसके बाद अपने आप जो लॉयर वो होगा। इट वाज इट इज माय ड्यूटी, देयर इज कन्वे द वेयर अबाउट्स ऑफ माय क्लाइंट, देयर इज लिविंग और डेड, ऑनरेबल कोर्ट अंडर द लॉ देयर इज प्रिजम्पशन अबाउट continuity of engagement, my lord. There is presumption about life, not death.